हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली डिवीजन का पार्ट टू वीडियो करेंगे। देखिए, पार्ट वन मैंने ऑलरेडी आपको 50 क्वेश्चन करवाया हूँ। देखिए, दिल्ली डिवीजन में लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है रॉन्ग पूछे गए, यानी कि पुराने पूछे गए। यदि आप क्लेम करते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन को उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने मैनुअल के अकॉर्डिंग पूछा गया है। पार्ट टू वीडियो करते हैं, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन ऑफ रिन्यूइंग फास्टनिंग LWR ट्रैक विद लिफ्टिंग है। लिफ्टिंग के साथ पूछा गया है, तो लिफ्टिंग के कंडीशन में गैंगमेट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यदि यहाँ पे लिफ्टिंग का कंडीशन नहीं रहता तब आपका की मैन हो जाता, लेकिन लिफ्टिंग का कंडीशन, इसलिए यहाँ पे गैंगमेट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर के, बेजी ए रूट ट्रैक में वक्र को डैश मीटर कार्ड पे मापा जाता है। ये देखिए, ए रूट बी रूट कर दिया गया है पुराने के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जो बी नंबर, यानी कि 20 मीटर यहाँ पे आंसर आपको सही किया जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्टिकल कर्व आर प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ द ग्रेड वेयर द अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड, यानी कितना जो है डिफरेंस रहेगा, तो 0.4% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का राइट आंसर। ये आपको पैराग्राफ 417 मैनुअल के मिलेगा। आपको यदि मैनुअल ना कहीं नहीं मिल रहा है तो जाइए चैनल स्टडी पॉइंट .in सर्च कीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मैनुअल है। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन की वर्टिकल कर्व इज नॉर्मली डिजाइन, तो वर्टिकली जो होता है यहाँ पे वर्टिकल कर्व की बात किए गए हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सर्कुलर, इंडियन रेलवे सर्कुलर जो है वर्टिकल कर्व को डिजाइन करता है, पर क्यूबिक परवला यहाँ पे नहीं होगा। जो कर्व चैप्टर पढ़ेंगे, कर्व वाला बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिटेल से इसमें दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन की वेबसाइट जिसमें इंजीनियर विभाग से संबंधित विभिन्न मॉड्यूल शामिल है, जैसे IR, TMS, IR, IRCP, वो किस में है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे भी गलत हो सकता है यदि आप लोग जो है क्लेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे IRCEP दिया गया है, जबकि जो इसका जो मेन वेबसाइट का डोमेन नेम है IRCEP है, यानी कि ये जो मेन वेबसाइट का, जबकि यहाँ पे IRI लगा दिया गया है, वो तो आपको बी ही सही करेगा। लेकिन यदि आप क्लेम करते हैं सही वेबसाइट जब आंसर के जारी हो जाएगा तो आप क्लेम करेंगे, तो नन ऑफ एबव लगा सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन का जो फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे देखिए, दोनों रेलों पर भार वितरित करना, रोलिंग स्टॉक की जो है वेयर या टीयर को कम करना, रिड्यूस करना, प्रोवाइड कंफर्ट पैसेंजर, यानी सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुपर एलिवेशन कर्व। 57 नंबर क्वेश्चन है कि जब ट्रेन वक्र पर यात्रा करती है तो कैंट की अधिकता नहीं हो सकती है, का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हाइयर स्पीड देन द इक्विलिब्रियम स्पीड का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जो है टर्मिनोलॉजी जो चैप्टर दिया गया है वहाँ पे मिलेगा मैनुअल में। 58 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सीमा के पत्थर प्रत्येक डेस्क पर उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए, आसनसोल का जब मैंने वीडियो करवाया तो वहाँ पे पिलर दिए गए थे जो 50 मीटर मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे एक चेंज इन अलाइनमेंट यदि होता है तो वहां पे भी पत्थर दिए जाएंगे, तो ए और बी यहां पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर बहुत आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, खास तौर से मैंने कल एक क्वेश्चन बैंक आपको बताया था जहां से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन बैंक से, उसी में से जो है पुराना जो है क्वेश्चन भी उठाया गया है। यहाँ पे द स्टॉक इंडेंट इज प्रिपेयर इन डैश नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ पे 6 कॉपीज में तैयार किए जाते हैं, 6 राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत लोग 5-5 जो है मैसेज करते हैं। द अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ पीवे मटेरियल आज कंडक्ट वंस इन ईयर, पीवे सामग्रियों का खाता स्टॉक सत्यापन 10 वर्षों में जो एक बार किया जाता है, तो एक वर्षों में किया जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि रेल डोली चलाने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की कितनी व्यक्ति की जो है आवश्यकता होती है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब आप पैराग्राफ 841 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि रेल डोली के प्रभारी व्यक्ति के पास जारी योग्यता प्रमाण पत्र जो है किसका होना चाहिए। SSC जो है यहाँ पे रेल डोली चलाने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र देता है, सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पैराग्राफ 841 के 2 में मिलेगा। मैंने इसलिए पैराग्राफ बता रहा हूँ कि ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो जाइए मैनुअल चैप्टर, यानी कि पीवे मैनुअल जो निकालिए, और उसमें जो भी आपका सीरीज में 841, 842, 843 लिखा रहेगा, वही उसी को हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। जैसे 101 से शुरू होगा, 14 चैप्टर है आपके, तो लास्ट में 1401, 1400 ऐसे करके पैराग्राफ देगा। ये आसानी से पकड़ने का भी चैप्टर नंबर आप आसानी से पकड़ सकते हैं, जहां 201 से शुरू हो जाएगा समझ लीजिए कि 2 चैप्टर का क्वेश्चन होगा, जहां 301, 320 इस तरह से होगा समझ लीजिए कि तीसरे चैप्टर का है, यानी कि आसानी से चैप्टर भी आप समझ सकते हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग।
63 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई भी निर्माण उपकरण चल रहा हो और रनिंग ट्रैक के नज़दीक काम कर रहा हो तो ट्रैक की केंद्र रेखा से न्यूनतम 10 mm की दूरी पर एक बैरिकेडिंग प्रदान किया जाता है। तो बैरिकेडिंग देखिए कितने, तो ये RDSO को आपको RDSO वाला में मिलेगा जो सेफ्टी का बनाया गया है। यहाँ पे 3500 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 3500 mm आप लोग कन्फर्म याद रखिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, नवीनतम SOD के अनुसार मौजूदा कार्य में नए कार्य जोड़ने के लिए और नए कार्य में ट्रैक केंद्रीय रेखा से केंद्रीय रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी। मैंने आपको बार बार यही चीज समझाया कि यदि शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपका होगा तो पुराने ही आंसर आपका जो 5300 नए वर्ग के लिए 4265 पुराने वर्ग के लिए मारते थे वही आंसर होगा, न्यू वर्ग के लिए 5300 mm हो जाएगा। यहाँ पे यदि फॉलिंग मार्क का चर्चा रहता तब आपका आंसर जो है PV के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, जो करेक्शन स्लिप आपका नया आया। 65 नंबर क्वेश्चन है कि नवीनतम SOD के अनुसार जो वक्र का न्यूनतम त्रिज्या होता है कितना हो जाएगा, तो 175 मीटर न्यूनतम त्रिज्या हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पुश ट्रॉली के लिए कौन सा गलत है। इसमें देखिए बैठने की क्षमता 3 है, इसका स्वयं का वजन 125 किलोग्राम है, फ्रेम सिमलेस स्टील या सेल्यूलोस से बना होता है। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। एक्चुअल में देख लीजिएगा जब पुश ट्रॉली आप पढ़ेंगे उल्टा के चैप्टर वाइज, मैंने पुश ट्रॉली से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूँ, उससे वेट और आपका सही जानकारी मिल जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रॉली के लिए निम्नलिखित से 2 कथनों पर विचार किया जाए। यहाँ पे दिया गया इसका उपयोग सामग्री परिवहन के लिए किया जा सकता है। बी नंबर की विशेष परिस्थिति में रेलवे अधिकारी के अलावा अन्य को भी इसका उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि केवल बी सही है कि अन्य परिस्थिति में रेलवे अधिकारी के अलावा भी इसे अनुमति दिया जा सकता है उपयोग करने के लिए। तो बी नंबर राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा इसका। 68 नंबर है कि सीधी लाइन पर कटिंग में ट्रॉली रिफ्यूजी का अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा, अधिकतम दूरी पूछा गया है। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 200 मीटर हो जाएगा। ये जो है आप डिटेल से याद कर लीजिए, पैराग्राफ 646 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन ब्रिज हैविंग मैन स्पैन लेस देन 100 मीटर स्पेसिंग ऑफ ट्रॉली रिफ्यूजी सेल बी, यानी कि 100 मीटर से कम मुख्य स्पैन वाले पुल पर ट्रॉली रिफ्यूजी की आपस की जो दूरी होगी वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पैराग्राफ आपको 646 के 3 में पढ़ने के लिए मिलेगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से मोटर ट्रॉली के लिए क्या सही है, मोटर ट्रॉली बिना ब्लॉक सुरक्षा के काम कर सकती है। तो देखिए ये गलत है, मोटर ट्रॉली को ब्लॉक सुरक्षा के तहत काम करना चाहिए, ये एक्चुअल में राइट है। तो बी नंबर यहाँ पे 2 नंबर इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ज्वाइंट स्लीपर ऑन द ब्रिज शुड बी, यानी पुल पर ज्वाइंट स्लीपर के बीच न्यूनतम जो दूरी होती है वो क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस ज्वाइंट स्लीपर का 200 mm होता है, तो मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें जो है क्लेम करने पर ये भी क्वेश्चन को गलत किया जाएगा, ध्यान रखिए 71 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि उसने मिनिमम पूछा है। चेक रेल कर्व और लेवल क्रॉसिंग के ऊपर न्यूनतम निकासी कर्म से कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए कर्व और लेवल क्रॉसिंग, कर्व में 44 mm मिनिमम हो जाएगा और लेवल क्रॉसिंग में 51 mm हो जाएगा। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि एकल लाइन सीधे ट्रैक के लिए IRPWM के अनुसार न्यूनतम फॉर्मेशन की चौड़ाई कितना होगा, तो न्यूनतम यहाँ पे 7850 सिंगल लाइन के लिए हो जाएगा, डबल लाइन के लिए 13160 हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक के केंद्रीय रेखा प्लेटफॉर्म कॉपिंग के मुख तक अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्या होगा, ये सभी शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ कॉपिंग से रहेगा, कॉपिंग जैसी रहेगा तो यहाँ पे 1680 और 1670 आप लोग मारिए, क्योंकि अधिकतम 1680 और न्यूनतम 1670 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, IRPWM के अनुसार 60 किलोग्राम रेल की जो ऊर्ध्वाधर यानी जो वर्टिकल वेयर होता है वो कितना होता है, तो 60 kg के लिए 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 13 mm होता है। आपको डिटेल से पढ़ना होगा तो पैराग्राफ जो है 702 निकालिए, वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, 60 kg सेक्शन की 90 ETS रेल की जो सेवा अवधि होता है वो कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 GMT होता है। एक करेक्शन सिर्फ इससे रिलेटेड आया हुआ है, आपको ये पैराग्राफ जो है 702 में ही पढ़ने के लिए मिलेगा डिटेल से। बॉल्ट छेद की चैम्परिंग मुख्य से किसके लिए किया जाता है, तो देखिए चैम्परिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो छिद्र का जो हार्डनिंग होता है, प्रीविटी होल्स होता है वो बना रहे, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन कि मेटल लाइनर T3740 का उपयोग किया जा सकता है,
3740 का जो उपयोग जो कब किया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 60 kg स्लीपर एंड 60 kg रेल के लिए किया जाता है, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीड कैन बी राइज ऑन ब्रॉड गेज अप टू 45 kmph आफ्टर, यानी कि इसके बाद गतिविधि पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। तो मशीन द्वारा पहली टैंपिंग पर, दूसरी मैनुअल रूप से पैकिंग के माध्यम से, मशीन द्वारा दूसरी टैंपिंग पर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का मशीन द्वारा दूसरी टैंपिंग पर, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब मैनुअल में आप निकालेंगे टेबल 2 में आपको यहाँ पे देखने के लिए आएगा शेड्यूल ऑफ मैनुअल डीप स्क्रीनिंग, जब मशीन पैकिंग किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मशीन पैकिंग के लिए सेकेंड मशीन पैकिंग, यहाँ पे देखिए सेकेंड मशीन पैकिंग के लिए 45 kmph स्पीड जो है होता है, जो यहाँ पे आपको वही सही किया जाएगा, मशीन द्वारा दूसरी टैंपिंग सही किया जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि नए ट्रैक के लिए स्लीपर से स्लीपर जो भिन्नता होता है, वेरिएशन होता है, कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2 mm होता है। ये भी आपको यदि डिटेल पढ़ना है तो पैराग्राफ 520 निकालिए, वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि नए ट्रैक के लिए सैद्धांतिक रिक्ति के संबंध में स्लीपर की दूरी क्या होगा, यानी जो थ्योरेटिकल स्पेसिंग पूछा गया है, थ्योरेटिकल स्पेसिंग जो है प्लस माइनस 20 mm होता है, ये भी पैराग्राफ 520 में ही आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, उत्तर रेलवे में LWR योजना के जो स्वीकृति करता है वो कौन करता है, में जो चीफ ट्रैक इंजीनियर होता है LWR के स्वीकृति वही करता है, लेकिन स्पेशल केसेस में यदि तैयार किया होगा नॉर्थन रेलवे के लिए अलग हो सकता है, लेकिन चीफ ट्रैक इंजीनियर जो है स्वीकृत करता है। यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे में ESP को मंजूरी कौन देता है, तो देखिए उत्तर रेलवे में एक सर्कुलर निकला था उसको सीनियर DN या CE देता है, सीनियर DN या CE देता है, सीनियर DN यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन CE यहाँ पे ऑप्शन है, तो CE में ऑप्शन TM और POD दिया गया है, ये दोनों में से किसी को सही किया जा सकता है, इसका मैं क्लियर नहीं दे सकता। 84 नंबर क्वेश्चन है कि गिट्टी की डीप स्क्रीनिंग की जाती है ट्रैक की जल निकासी में सुधार के लिए और ट्रैक की इलास्टिसिटी में सुधार के लिए, देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोनों होगा, क्योंकि डीप स्क्रीनिंग तो होता ही है, ड्रेनेज सिस्टम तो 100% होगा, और इसको लचीला बनाने के लिए भी किया जाता है, इसलिए इलास्टिसिटी भी यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका यदि क्लियरिटी आपको पढ़ना है कि सही है या गलत है, तो आपको IRPWM का चैप्टर मिलेगा, IPWE का बुक में यहाँ पे डीप स्क्रीन का ब्लास्ट देख सकते हैं, डीप स्क्रीन का ब्लास्ट में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रैक ज्योमेट्री यहाँ पे देख सकते हैं, जो कह डेप्थ अलाउ द ड्रेनेज एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया, इसलिए यहाँ पे दोनों राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन ऑयलिंग ऑफ ग्रीसिंग, यहाँ पे देखिए रिड्यूस द फ्री एक्सपेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन टू रेल एंड टू रिड्यूस वेयर एंड टीयर फिशिंग ऑफ प्लेन्स, यानी कि ए और बी यहाँ पे दोनों राइट हो जाएगा, तो सी नंबर इसका ए और बी दोनों सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि सीधे ट्रैक और गोलाई दोनों के लिए न्यूनतम शेष की जो चौड़ाई होगी कितना होगा, तो 900 mm यानी 90 cm हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है कि हॉट वेदर पेट्रोलमैन को हमेशा जो है जो हैंड फ्लैग झंडे जो लाल डैश संख्या में और डेटोनेटर डैश संख्या में दिया जाता है, एक्चुअल में हॉट वेदर जो पेट्रोलमैन होता है उसे ग्रीन सिग्नल तो हाँ हैंड फ्लैग दिया ही नहीं जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी नंबर, यानी कि 2 लाल झंडे और 10 पटाखे दिए जाते हैं, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि ठंड में पेट्रोलिंग अनिवार्य रूप से तब शुरू की जाएगी जब रेल का तापमान कितना नीचे चला जाता है, तो TD-30° यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 का, ऑल गेज लेवल एंड ट्रॉली यूज इन ट्रैक सर्कुलेटेड एरिया शुड बी इंसुलेटेड होना चाहिए सभी, तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रति किलोमीटर ट्रैक पर न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध क्रमशः स्टेशन यार्ड में -ohm प्रति किलोमीटर, ब्लॉक सेक्शन में -ohm प्रति किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। देखिए सब क्वेश्चन आप खोजते रह जाएंगे डिटेल पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो ये आपको पैराग्राफ नंबर 662 निकालिए मैनुअल का, और उसमें आपको जो है मिलेगा पढ़ने के लिए डिटेल से। जो नया वाला बुक चांदा स्टडी का आ रही है उसमें मैंने पैराग्राफ मेंशन इसलिए हर क्वेश्चन में किया हूं ताकि आपको डिटेल से पढ़ने के लिए अच्छे से मिल सके। PSC स्लीपर ट्रैक पर ट्रैक सर्कुलेटेड सेक्शन में न्यूनतम डैश स्तर तक इंसुलेटेड लाइनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 97% जो है किया जाना चाहिए, इसका भी आपको डिटेल जो है
पैराग्राफ 662 पढ़ेंगे, दोनों सेम जगह से क्वेश्चन उठाया गया है, तो वहाँ पे डिटेल आपको दोनों क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बहुत पहले 1853 यानी 16 अप्रैल 1853 को अस्तित्व में आई थी। इसकी पहली यात्री ट्रेन 3 लोकोमोटिव द्वारा संचालित की गई, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, साहिब, सुल्तान और सिंध जो है कहा जाता था, तो इसका साहिब, सुल्तान, सिंध राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का अपना शुभंकर नाम जो है भोलू है, जो रेलवे गार्ड की पोशाक पहनने एक हाथी है, यह 2002 में किस संस्थान द्वारा दिया गया? तो देखिए, NID के द्वारा दिया गया, तो NID यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रेलवे के स्वामित्व वाला यूनेस्को विरासत जो स्थल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, दार्जिलिंग को किया गया है, नीलगिरी माउंटेन को किया गया और कालका को भी किया गया, लेकिन जमालपुर कार्यशाला को नहीं किया गया है, तो जमालपुर कार्यशाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया है, ये कौन सा जिला में है? देखिए, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, रियासी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष जो सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है, पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था, लेकिन अभी हावड़ा दिया जा रहा है, तो हावड़ा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि वक्र को वर्साइन द्वारा मध्य तार ऑफसेट के रूप में मापा जाता है, तो वक्र का मिड ऑफसेट पे 10 मीटर पर स्टेशन बनाए रहते हैं और 20 मीटर चोट का उपयोग होता है, 20 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर के कौन सा कथन जो है सही है? 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्पर्श रेखा के एक ही सेट के बीच अनंत संख्या में वक्र संभव है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, देखिए, 140 किलोमीटर प्रति घंटे से कम और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए स्टेशन जो वेरिएशन होता है वो कितना हो जाएगा? तो स्टेशन से स्टेशन वेरिएशन, तो 140 जगह 160 भी रहता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 10 mm और 20% हो जाएगा, यानी कि 99 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 10 mm औसत वर्षा और 20 mm जो भी अधिक। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन भी रॉन्ग क्वेश्चन ही है, ग्रुप ए और ग्रुप बी रूट इंटरवल दिया गया है, जबकि डिग्री ऑफ कर्व नहीं दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन पे क्लेम जाएगा, इसे रॉन्ग किया जा सकता है। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मैंने डाल दिया हूँ, वहाँ पे आप सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, और मैंने फ्री सेक्शन में भी टेस्ट सीरीज डाल दिया हूँ, आपको वहाँ पे कोई भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। चांद स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे डिटेल से आप जो है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए। धन्यवाद।